हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आप लोगों ने ये तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पांच चीज़ें समझेंगे। तो पहली है कि बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, सेकंड ये है कि टाइप्स ऑफ बायबैक, और थर्ड ये है कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन बायबैक, चौथी ये समझेंगे कि कंपनी इसके अंदर शेयर्स को बायबैक करती क्यों है, मतलब कंपनी को बायबैक करने का मेन रीज़न क्या होता है, और फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ समझेंगे कि अपकमिंग बायबैक कौन कौन से आने वाले हैं अब मार्केट के अंदर, और कौन कौन सी कंपनी ने अभी बायबैक अनाउंस किया है कुछ टाइम पहले ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बायबैक का मतलब समझते हैं। तो जब कंपनी अपने शेयर्स वापस से परचेज करती है जो उन्होंने आईपीओ के टाइम इशू किए थे, तो उसको अपन बायबैक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के पैसे देके शेयर होल्डर का पोर्शन कंपनी अपने पास वापस से एब्जॉर्ब कर देती है। तो अब अपन समझते हैं कि कितने टाइप के बायबैक होते हैं। तो नॉर्मली चार टाइप के बायबैक होते हैं। पहला है ओपन मार्केट स्टॉक बायबैक, सेकंड है फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर, थर्ड है डक्स ऑक्शन टेंडर ऑफर एंड फोर्थ है डायरेक्ट नेगोशिएशन। ओपन मार्केट स्टॉक बायबैक के अंदर ऐसा होता है कि कंपनी सीधा ओपन मार्केट में से शेयर को वापस से परचेस कर देती है, और इसके अंदर कंपनी के जो भी अपॉइंटेड ब्रोकर्स होते हैं वो इसके अंदर कंपनी को हेल्प करते हैं ओपन मार्केट से शेयर्स को परचेस करने में। फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर के अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फिक्स डेट एंड साथ ही साथ फिक्स प्राइस भी दे देती है टू बाय बैक दी शेयर्स। एंड जो इसके अंदर प्राइस होता है टेंडर का, उसके अंदर करंट मार्केट प्राइस होती है स्टॉक की एंड साथ ही साथ थोड़ा सा प्रीमियम भी इंक्लूड रहता है। यानी कि मान लो अगर स्टॉक की प्राइस अभी 350 चाहिए तो कंपनी आपको 400 रुपीज़ का ऑफर दे सकती है। इसके बाद आता है डक्स ऑक्शन टेंडर ऑफर। इसके अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को टेंडर ऑफर देती है टू बाय बैक दी शेयर एंड वो साथ ही साथ इसके अंदर पॉसिबल प्राइस की रेंज भी डिफाइन करके देती है। एंड जो कंपनी इसके अंदर शेयर होल्डर्स को मिनिमम प्राइस डिफाइन करके देती है वो करंट मार्केट प्राइस से अबव ही होती है। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है डायरेक्ट नेगोशिएशन। तो इसके अंदर कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है वन और सेवरल लार्ज शेयर होल्डर्स को टू बाय बैक दी शेयर्स एंड इस वाले सिनेरियो के अंदर जो कंपनी शेयर प्राइस ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को, उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जैसे अपन आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब कंपनी आईपीओ निकालती है तो अपन सब अप्लाई करते हैं उसके अंदर एप्लीकेशंस डालते, तो वैसे ही जब कंपनी अपना बायबैक निकालती है तो अपन सब उसके अंदर एप्लीकेशंस डालते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आईपीओ के अंदर भी पोर्शंस डिफाइन कर देते कि रिटेल इन्वेस्टर्स को 15% दिया जाएगा, क्यूआईबी को 50% दिया जाएगा और साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 35% दिया जाएगा, ऐसे ही बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर भी कंपनी करती है। यानी इसके अंदर भी कंपनी पोर्शंस डिफाइन कर देती है और आप और हम जैसे लोग इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं जिनको बहुत ही कम पोर्शन एलोकेट होता है, नॉर्मली 15%। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन से दिन अपना बायबैक लाने वाली है, और जिस भी दिन कंपनी अपना बायबैक लाए तो आप अपना डीमैट अकाउंट जिस भी ऐप में खुलवा रखा है उस ऐप को खोल के वहाँ देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का बायबैक अभी चल रहा है एंड फिर आप वहाँ पे उस बायबैक के अप्लाई कर सकते हो। बायबैक करते टाइम आपके सामने एक फॉर्म डिस्प्ले होगा जिसके अंदर कंपनी आपसे पूछती है कि आप अपने कितने शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी ऑफ शेयर्स लिख देना है, उसके बाद बायबैक के लिए अप्लाई कर देना है। इसके बाद कंपनी एक एक्सेप्टेंस रेशियो निकालती है। तो इस रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी 100 शेयर्स के अगेंस्ट में कितने शेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ द बायबैक साइज एंड द क्वांटिटी टेंडर्ड इन द बायबैक। और ये एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी ऑफर पीरियड के एंड होने के बाद ही निकालती है। और अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझाऊँ, तो मान लो कि कंपनी को 100,000 शेयर बायबैक करने एंड कंपनी के पास 500,000 शेयर्स को बायबैक करने की एप्लीकेशन आ चुकी, तो इसके अंदर एक्सेप्टेंस रेशियो 20% हो गया, यानी कि 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5,00,000 इनटू 100। तो अब अपन समझते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स के पीछे रीजन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि कंपनी इन्वेस्टर्स को सिग्नल देना चाहती है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। सेकेंड रीज़न ये है कि कंपनी इसके अंदर टैक्स का एडवांटेज देना चाहती है, यानी कि जिस जिस कंट्रीज़ के अंदर कैपिटल गेन टैक्स रेट
और ये टैक्स रेट वो होता है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स को जो भी पैसा स्टॉक बायबैक के ऊपर मिले, जिसको गवर्नमेंट एज अ कैपिटल गेन ट्वीट करती है, वो लोअर हो तो डिविडेंड टैक्स रेट से, तो उस कंट्रीज में स्टॉक बायबैक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है डिविडेंड कैश पेमेंट से। इसके बाद थर्ड रीज़न आता है कि हॉस्टाइल टेकओवर डिफेंस में भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, यानी कि जब भी किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर हॉस्टाइल टेकओवर होने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो बायबैक ऑफ शेयर्स को अनाउंस कर देती है। तो इस डिफेंस स्ट्रेटजी का एक ही गोल है कि जो भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने आने वाली हो, तो वो उस दूसरी कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक्स एक्वायर ना कर सके। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे मान लो कि मार्केट के अंदर दो कंपनी, पहली है ए और सेकंड है बी। तो मान लो कि एक कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि बी कंपनी उनको हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती है, तो ए कंपनी की मैनेजमेंट बायबैक ऑफ शेयर्स को अनाउंस कर देती है और मार्केट से और भी ज़्यादा शेयर्स खरीदने लग जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोलिंग स्टेक्स कंपनी के अंदर बढ़ा सके। फिर जब बी कंपनी ए कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर करने आती है, तो बी कंपनी अपने पास कंट्रोलिंग स्टेक्स एक्वायर नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, और वो इसी की वजह से ए कंपनी के ऊपर अपनी पावर नहीं चला सकती। इस वीडियो में तो सिर्फ हमने इन तीन ही रीजंस की बात की है बायबैक ऑफ शेयर्स को लेके, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स अनाउंस करती है, जो आप लोगों को इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली अपना बायबैक अनाउंस किया है। तो अभी कुछ टाइम पहले TCS ने अपना बायबैक अनाउंस किया था 16,000 crore rupees का, और उसके अंदर वो एक इक्विटी शेयर की वैल्यू उन्होंने 3,000 rupees रखी है। इसके बायबैक अनाउंस करने के बाद विप्रो ने भी अपना बायबैक अनाउंस कर दिया था 9,500 crore rupees का, और उन्होंने इसके अंदर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 400 rupees की रखी है। और अगर अपन ये देखें कि इन दोनों शेयर की प्राइस फ्राइडे को यानी कि 16 अक्टूबर को कौन सी प्राइस पे आके क्लोज हुआ, तो अपन देख सकते हैं कि TCS 2763 पे आके क्लोज हुआ था एंड विप्रो 340 पे आके क्लोज हुआ था। जैसा कि अपन ने इस वीडियो में पहले ही बात की थी, जब भी कंपनी अपने बायबैक का प्राइस फिक्स करती है, तो उसके अंदर वो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा प्रीमियम भी ऐड करती है। और अपन इन दोनों शेयर प्राइस को देखते हुए ये बात तो समझ ही गए कि कंपनी ने अपने इस बायबैक की प्राइस के अंदर प्रीमियम ऐड ही कर रखा है। लेकिन सोचने वाली बात एक है कि अभी IT फर्म्स अपना बायबैक क्यों ला रही है, वो भी इस पैंडेमिक के बीच में। अगर आप लोग चाहते कि हम इस वाले टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। IT फर्म्स के अलावा भी अभी और भी कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया है, लेकिन अभी कोई भी कंपनी ने अपनी डेट नहीं बताई, और यहाँ तक कि इन IT फर्म्स ने TCS एंड विप्रो ने भी कोई अपनी बायबैक की डेट अनाउंस नहीं की अभी कौन से दिन इनका बायबैक आने वाला है। So that's all from our side. Thank you so much for watching this video. If you liked our video, please press the like button and also share it with your friends. And also share your valuable feedbacks in the comment section. And don't forget to subscribe to our channel. Thank you.